में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं आपको 5-6 दिन से एनसीईआरटी समाज विज्ञान सोशल साइंस के अंदर समाज विज्ञान जो अपना भूगोल वाली पुस्तक है उससे मैं आपको दूसरा लेसन है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो छोटे वाले क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ और बड़े वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने आप करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो क्या है, छोटा वाला प्रश्न है जो एमएसएलडी वाले अपन जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखते हैं कौन सा कारक वनस्पति जात व प्राणी जात, कौन सा कारक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। यानी जो चार कारक है, चार ऑप्शन आपने दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कारक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। एक नंबर पे देखो हम लेते हैं, वो अपने वहां ऑप्शन चाहे कुछ भी हो लेकिन हम यहाँ इसके अनुसार हम कर रहे हैं कि एक नंबर पे हम लेते हैं कृषि का प्रसार। पहला ऑप्शन कृषि का प्रसार और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बड़ी योजनाएं। ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको, हो सकता है उधर अपने एक ऑप्शन दो नंबर पे और दूसरा पहले नंबर पे है। तीसरा है पशु चारण तथा लकड़ी इकट्ठी करना, पशु चारण तथा लकड़ी इकट्ठा करना तीसरा कारक है ये। और याद रखना जो चौथा कारण है वो है औद्योगिकीकरण व शहरीकरण। ये चार हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, याद रखना पहला कृषि का प्रसार है, दूसरा बड़ी योजना है, तीसरा पशु चारण और लकड़ी को इकट्ठा करना है, और चौथा जो कारक है ऑप्शन है वो औद्योगिकरण और शहरीकरण। अब आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कारक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो याद रखना आपको कि जो 2-3-4 ऑप्शन है वो तो कारकों में आते हैं और जो हमारा पहला ऑप्शन है कृषि का प्रसार ये ह्रास का कारण नहीं है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कृषि का प्रसार, क्या आंसर होगा कृषि का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, संरक्षण का कौन सा तरीका यानी कौन सा तरीका लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं आप, समुदायों की संरक्षण का कौन सा तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, सीधी भागीदारी नहीं करता। यानी संरक्षण का ऐसा कौन सा तरीका है जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखवा रही हूँ क्योंकि मैं ये पार्ट आपको अच्छे से 4 क्लासों में पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो 3 और 4 नंबर का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, और वो ऑप्शन कौन से है देखिए, ये जो ऑप्शन आएगा एक नंबर पे तो आ जाएगा आपका बीज बचाओ आंदोलन और जो दूसरा जो इसका आएगा इसके अंदर जो सीधी भागीदारी नहीं करता है वो आएगा इसके अंदर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कि एक तो बीज बचाओ आंदोलन और दूसरा वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन है वो संरक्षण के जो तरीके हैं उनमें समुदायों की सीधी भागीदारी
नहीं करता है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन है जिसमें एक हमारा संयुक्त वन प्रबंधन था और एक हमारा चिपका आंदोलन था, वो सीधी भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर वो सुमेलित करने वाला आएगा, वो भी हमारे लिए दोनों जो आने वाले क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सुमेलित करना, क्या है हमारा सुमेलित करना, यानी ए और बी दो आपको सारणियां मिलेंगी, उनके सामने सामने जो लिखा हुआ है उसको आपको सुमेलित करना है। जैसे मैं आपको लिखती हूं, एक नंबर तो है जानवर, जानवर या पौधा, जानवर या पौधा, और दूसरी तरफ आएगा अस्तित्व, यानी किसी जानवर या पौधे का नाम दे करके और ये पूछेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए एक नंबर पर पहले मैं सारे जानवर लिख लेती हूँ, उसके बाद वो कौन सी श्रेणी में आएंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी। तो एक नंबर पर आता है फ्रेंड्स याद रखना काला हिरण, क्या आएगा काला हिरण। दो नंबर पर आएगा एशियाई हाथी, तीन नंबर पे आएगा अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर ये तीसरा है। चार नंबर पे आएगा हमारे हिमालयन भूरा भालू, हिमालयन भूरा भालू, और पांचवा जो हमारा है यहां है वो गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पांच प्रकार हैं ये हमारी कौन सी श्रेणी में आते हैं, मैंने आपको जो विभिन्न जातियों के समुदाय बताए थे, प्रकार बताए थे, उनके अंदर ये सारे लिखवाए थे। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स काला हिरण की, याद रखना काला हिरण आएगा संकट ग्रस्त, यानी कौन सी प्रजाति में आएगा काला हिरण संकट ग्रस्त में। उसके बाद देखो फ्रेंड्स हम बात करते हैं हाथी वाली, एशियाई हाथी, एशियाई हाथी आएगा सुवेद, कौन सी जाति प्रजाति में आएगा सुवेद में। उसके बाद तीसरा है अंडमानी जंगली सुअर, ये आएगा स्थानिक में, कौन सी प्रजाति में आएगा स्थानिक में। चौथा है जो हिमालय भूरा भालू है, यह आएगा दुर्लभ प्रजाति में, और जो पांचवा नंबर गुलाबी सिक वाली बतख है यह आएगी लुप्त प्रजातियों में। तो यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे एग्जाम में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिनमें क्वेश्चन तो आपको ऐसे रहेगा लेकिन आएगा क्या, ये ऑप्शन इस तरह से होंगे और इनको ऊपर नीचे लिख दिया जाएगा और हमें उसके जो एक तरफ समूह दिया गया है उसके दूसरी तरफ बिल्कुल सही आंसर है तो वहां हमें नोट करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भी इसी तरह का है और वो वाला क्वेश्चन हमारे बनों से संबंधित है जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, वो ये है कि हमें मिलान करना है, हमें सुमेलित करना है, और बनों के प्रकार थे वो संरक्षण की दृष्टि से मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, वही है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स एक नंबर पे है आरक्षित वन, आरक्षित वन स्पेस देके लिखना। दो नंबर पे है हमारा रक्षित वन, और याद रखना तीन नंबर पे है हमारा ए वर्गीकृत वन। अब कौन सा प्रकार और किसके अंदर क्या होता है यहां ये हमें देखना है। देखो मैंने आपको तीनों प्रकार की ये कैटेगरी बताई थी, आरक्षित वन इसमें वन है, ऑप्शन के हिसाब से बता रही हूं आपको कि तो ये बहुत लंबा थोड़ा था, वन वन्य जीव संसाधन, वन वन
संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान। बताया भी था मैंने आपको ये कि ये जो वन होते हैं वो वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक इंपोर्टेंट होते हैं, उनको सर्वाधिक मूल्यवान मान लिया। दूसरा है रक्षित, रक्षित वन। देखिए वह भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, बचाई जाती है, यानी इस पर यदि थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो इस क्षेत्र को नष्ट होने से आसानी से बचाया जा सकता है। और जो तीसरा प्रकार है वर्गीकृत वन, ये देखो सरकार अधिकार, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, सरकार व्यक्तियों, सरकार व्यक्तियों व निजी समुदाय, सरकार व्यक्तियों व निजी समुदाय के अधीन, और इसमें वन व बंजर भूमि पाई जाती है, इसके अंदर वन और बंजर भूमि पाई जाती है। तो देखिए आरक्षित, रक्षित और जो सुरक्षित वन थे उनके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर शामिल होता है, ये मैंने आपको लिख दिया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आपने इसको उतार लिया होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 3-4 मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि उनके आंसर आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मैंने आपको ये जो लेसन है वो बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो देखते हैं हम कि वो 3-4 क्वेश्चन कौन से हैं जिनके जवाब हमें देने हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है। यदि आपने मेरे वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख होंगे। जैव विविधता क्या है और तथा यह मानव के लिए, जैव विविधता क्या है तथा यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है, इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, वो है कि क्या नाम है उसका, मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं किस प्रकार, मानवीय क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात, प्राकृतिक वनस्पति जात व प्राणी जात, मानवीय क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती है, इसका आंसर भी आपको अपने आप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न समुदायों में किस प्रकार वनों व वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण व रक्षण में योगदान किया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है भारत के विभिन्न समुदायों में किस प्रकार वनों व वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है। जो विभिन्न समुदाय हैं उन्होंने कैसे वनों की रक्षा करने में और वन्य जीवों की रक्षा करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन क्वेश्चनों को आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए उनसे और जो मैंने आपको बुक्स की पीडीएफ भेज रखी है उस बुक्स के में सहायता लेकर के आपको इनके आंसर विस्तार से लिखने हैं। आपका थैंक यू कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। मैं आपसे अपने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करें, और एक चीज याद रखना कि हर वीडियो में आपको कमेंट करना है कि वो वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि कौन इस वीडियो को देख रहा है और कौन इस वीडियो
वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मेरा यहाँ उद्देश्य कोई कमेंट बढ़ाना नहीं है, कोई सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे कोरोना काल के अंदर जो सत्र 2021-22 चलने वाला है वो पता नहीं कब शुरू होगा। हमारे स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चे तो निजी ट्यूशन करके भी अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे, लेकिन जो ये हम गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं उनके पास बेचारों के लिए संसाधनों का अभाव है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रही हूँ। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।